गेल जने मार गेल क खेबे सरकार नी दुन छ त अमन कुलुन भी घुनुन भी हाथुन भी सब खैन छ कोन छ सही है जो उन वाले बैसा से तो वही तो जुगन छोड़े दा जो घर में छन तो भी बुरा छन कि अमन के कन नी करना मन मिले मेना छन फिर आ तो छन मेना बोला बा कह के मुदाल बोली अब हाथ हाथों लसान सब दैट ऑन ते हरड़ से जुड़ू सरकार तो मैं भी गीजे नहीं पड़ी नहीं कर हम दाल भी नहीं बुझता हम जुड़ू चु सरकार पर से हमारे चार पुड़ी आएगा बात छो नहीं बोलो दाला दाला चार पुड़ी आए दाला चार पुड़ी छो नहीं है तो हम अब गए नहीं बोल दाल भी मिन बैठे गए वहाँ जाते मन दिया हूँ बुढ़ बुढ़ होता फोन सही बात है बुध नहीं करा हम तो आनी चु दाल भी चौल भी यो सरकार सरकार भी गोलो बेको बतासी बेको छन जो बिचारा त जों संग त बाजार हुन्छ पड्यो त राशन कबै नणी सिबी त वलाई ठीक जो राशन हामदा बिपसन पोकोणा निछन पोकोणा त त छन हम बुना के सिबी त वलाई जो हामदा छन यो राशन पोकोणा सिनी वाला चाणागा कि हमार भीतर रोडे जांदी एस पर खांदा म त कमायो छन हम खाना सही बात है भीतर रोड छन जो राशन ओणी जाबडी न ओणी वेले ना पर मीना तोंगी तो वेली हैं और हमारा अब रहा पड़ गया था नहीं वो ना अब जमीन माँ तो कभी ध्यान दिया और डाले 600 रुपए ध्यान ध्यान करी करी हाँ सर लोग उन तो नौकरी कोई भर के तो जान और 600 रुपए ध्यान करी और आप क्या चंबो ना नहीं बोलता था सुंगूर से खानू सुंगूर से खानू बस कुछ सुंगूर भी खा जरा पर चार मेर भी एक जन हसूल दाल मेर भी वो जरा अब आप देख लो कि अभी मैंने दादी से बात की थी मैंने और इस गांव में सुविधा इतनी ज़्यादा है ना भाई, यहाँ पर सिर्फ रोड की दिक्कत है, वो भी खास करके जो लगभग 10-15 परिवार है उन्हीं के लिए सब ज़्यादा दिक्कत है रोड की, क्योंकि रोड काफ़ी नीचे तक आ रखी है, गांव के बिल्कुल बीच में नहीं आ रखी रोड, तो यहाँ पर रोड की थोड़ा बहुत दिक्कत है। और आपको बता दूँ कि इस गाँव में यहाँ के अगल बगल के जितने भी इलाके में जितने भी गाँव हैं यहाँ पर सुविधा तो इतनी ज़्यादा है भाई, जैसे कि सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल्स, लगभग 5-6 स्कूल हैं यहाँ पर, इंटर कॉलेज हो गया, प्राइमरी स्कूल हो गया, इस जगह पे हर चीज़ है भाई इस जगह पे, ठीक है ना। और मुझे कभी कभी अफसोस ये होता है कि जब यहाँ के इलाकों में जब इन चीज़ों की सुविधा है तो लगभग जो दूर दूर जो गांव है वहाँ पर रोड की सुविधा नहीं है, वहाँ पर रास्ते की सुविधा नहीं है, यहाँ पर स्कूल की सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल की नहीं है, तो यार वो लोग कैसे रहते होंगे भाई। मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि लगभग जो लोग ऊपर ऊपर गांव में रहने वाले लोग हैं उनका जो जीवन यापन है ना भाई बहुत मुश्किल से हो पाता है और उनको काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है भाई, ठीक है ना। मैं ये चाहता हूँ कि जो सुविधा यहाँ अगल बगल गाँव में है, जैसे यहाँ इस गाँव में है स्कूल की सुविधा, कॉलेज की सुविधा, प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल हो गया और हॉस्पिटल्स हो गए, रोड की सुविधा, तो यही सुविधा ऊपर गांव तक ही पहुंचनी चाहिए जो सुविधा यहां अगल बगल गांव में चल रही है अभी फ़िलहाल भाई, ठीक है ना। तो काफ़ी अच्छा लगा कि इस गांव में सब चीज़ बढ़िया है, काफ़ी अच्छी बात है कि यहां पर स्कूल, प्राइवेट स्कूल, सरकार सब चीज़ इस जगह पर। वैसे ही अगर हमारे और गाँव में भी होता, जैसे जो ऊपर पर जो गाँव है अगर वहाँ भी होता ये चीज़ें तो हमारा उत्तराखंड कुछ अलग होता भाई इस समय पर। हमारे उत्तराखंड का जो प्लान का जो प्लान हो रहा है ना वो उसी वजह से हो रहा है। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। तो आज फिर एक नया दिन और एक नई सुबह और आज फिर एक नया गांव जिसका नाम है जैली गांव। कल मैं जिस गांव में गया था उस गांव का नाम था कंडाली, जो यहां से लगभग 1 किलोमीटर दूर पे है। और गांव का रास्ता कुछ ऐसा बना हुआ है क्योंकि स्लाइडिंग वाले जगह ऐसे देखना, बिल्कुल स्लाइडिंग हो रही होगी इस जगह पे। रास्ता देख रहे हो कितना बढ़िया बना हुआ है, बिल्कुल चौड़ा भाई। और इस आगे देख रहे हो ये जो पीछे मेरे पहाड़ दिख रहा है, ये रोड जो दिख रही है आपको ये सीधा जाती है डांगवालगांव के साइड सीधा।
डोंगवाल गाँव हो गया, शेम हो गया, ये सारी रोड, ये रोड वहीं जाती है उसके बाद सीधा। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है डोंगवाल गाँव, लगभग 8 किलोमीटर दूर है यहाँ से डोंगवाल गाँव भाई। देख लो स्टार्टिंग में गांव स्टार्ट हो जाता है स्टार्टिंग में। यहाँ पर गांव के ऊपर साइड मंदिर भी है भाई, काफ़ी बढ़िया बना रखा मंदिर है। और ओ भाई कितनी बड़ी मकान देख रहे हो, मकान देख रहे हो कितनी बड़ी है। अरे भाई जब मंगलेश गिड़िया के छो तब लीगी छो ये मकान कोड कहीं चीते। हाँ ये मकान कितनी पुरानी होगी वाली मकान, 120 साल, 120 साल के मकान है। और मंगलेश गिड़िया लीगी छो लेखी थे ऐरा जमानो पनो कुछ नहीं कती हुई बोल बोल मंगलेश गिड़िया बेचार एथर पद पर भी पहुंची कुछ भी ना नमाज ये दिन लेटिंग बाथरूम थी नमाज साड़ी गई नमाज मकान है सब पैसा चप्पा साठ कर लिया होना चन होना चन होना तो जब रोल है बोल बाबू। लगभग गांव को देख के ऐसा लग रहा है कि ये लगभग 105 परिवार तो नहीं होंगे इस जगह पे, क्योंकि काफ़ी छोटा लग रहा है नीचे साइड से, ऊपर से तो काफ़ी छोटा लग रहा है। मगर दास जी कह रहे थे कि लगभग 105 परिवार रहते हैं इस जगह पे, मगर देख के तो लग रहा है शायद से ऊपर साइड भी रहते होंगे। ये रास्ता सीधा गाँव की तरफ जाता है, अब ऐसा कोई रास्ता आ गया गाँव में जाने के लिए। और लगभग यहीं पर लगभग देख रहा हूँ यहीं पर लगभग 30-40 परिवार रहते हैं एक साथ इस जगह पे जहाँ से मैं आया हूँ। यस कथा है तक जिगो या मैं से लास्ट लास्ट कथा पर रन है रन वाले 10 बार परिवार 10 बार परिवार ठीक ठीक। डॉगी मेरे इंतजार में, कब कोई व्यक्ति आएगा मैं उसके पैर काटूंगा। अरे भाई नहीं 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 अरे रे 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 भाई अरे 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 भाई काटना मत यार काटना मत भाई। देख के तो लग रहा काटेगा मगर फिर भी इसके सामने मैं एक नया इंसान हूँ, मतलब नया व्यक्ति हूँ इसके सामने भी मैं। और दूसरे गांव में आ रखा हूँ इस समय तो थोड़ा डरना पड़ता है। चलो अपने रास्ते चले गया, ये काफ़ी अच्छी बात है भाई। मैं काफ़ी डरता हूँ, मुझे काफ़ी प्यारे लगते हैं डॉग्स मगर फिर भी थोड़ा बहुत डर लगती है कोई काटना दे भाई रास्ते में। तो यहाँ पर मुझे गांव में दादी जी मिली है बीच गांव में, और मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत दादी से ही पूछ लो कि इस गांव के बारे में। तो दादी जी वैसे मुझे आज कोई दिखा नहीं है, बहुत कम लोग दिखे गांव के अंदर। हाँ। यानी ऐसे क्यों, मतलब गांव में तो बहुत कम लोग दिखे ना आज खेत कुछ सब चले गया कुछ नहीं मिलो हम गाँव के बारे में कुछ गाँव के बारे में क्या बस रोलता है फोन गए ना अच्छा पता अलग अलग जगह बस गए क्या हाँ। तो सरकार तो अपने कुछ मिली नहीं है गाँव तक जब रगड़ हुआ मिली जो हमारे सगड़ा पचाड़ा गए हम तक कुछ नहीं मिली कूड़ टूटने ये ऐसा जरा नंबर तो यही गाँव वालों जले काट आवाज हूँ और मैं आप लोगों तक पहुँचाता हूँ कि गांव के हालात कुछ ऐसे हो रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। जब कह के बड़े रोड़े नहीं होना तो सब तो बह रहे थे ना बैसा के मैं गए
जे हिसाब से तुम मार्केट बगल में सुविधा नहीं क्या कुछ ना क्या कर? हम स्कूल का पढ़ छोड़ तू स्कूल का पढ़ दे मुड़ी गाँव में अच्छा मतलब कॉलेज इंटर कॉलेज बहुत कखी तो यो अभी नहीं रहनी अब देख लो भाई यहाँ पर सरकार ने स्कूलों की कोई कमी नहीं है जगह पे मतलब अब मैं आपको बताता हूँ अभी मैं इतने हॉस्पिटल भी छेजा अब मैं आपको बताता हूँ मैं इतने गांव में घूम चुका हूँ दादाजी वहाँ पर इंटर कॉलेज नहीं है प्राइमरी स्कूल नहीं है हॉस्पिटल भी नहीं है ऊपर से रोड भी नहीं है अब मैं आपको बता रहा हूँ चलो मैं मानता हूँ नहीं नहीं मैं मानता हूँ कि आप लोगों की रोड की थोड़ा सुविधा नहीं है नहीं। अब मुझे बताओ आपको सिर्फ एक चीज दिक्कत है अब जिस गांव में ये चारों चीजें नहीं है स्कूल भी नहीं है प्राइमरी स्कूल भी नहीं है रोड भी नहीं है रास्ता भी खराब है तो वो कैसे रह रहेंगे आप बताओ तो हॉस्पिटल भी थोड़ा बहुत दुख लगो तो छे अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ तुम्हें लगा ये चीज तो सुविधा नहीं दूर चीज मार्केट श्रीनगर अगर तुम मार्केट श्रीनगर चीज तुम लगभग आधा दो घंटा लगाना में अगर तू मार्केट प्यार सी तू तो एक घंटा लगाना मार्केट जाना में इतना अब मार्केट तो तिलबड़ा पा रहे मुझे 5-6 किलोमीटर दूर नहीं जी तो ते हिसाब आप यहाँ देखा कि ते हिसाब से आप यहाँ बोला कि तू से भला हम छीन की से हम से भला छीन तुम से हम से भला छन हां ना निकने वो जा से सब दला दिए माचन खाना गा कोस्टो सन से खाना गा त सिने वे रे अब बोले माज हम बना हम कूड़ बनो तो था ढोलान पाने आ तो तू तो कथि ढोलान पड़ल था तो रोड़े नहीं जाई मैं वही तो बोल रहा ना आ तो मूल बारे सब दे रोड़े ही राम दा यो मुनी आ हम खचर छन जोड़ा 100 रुपए छन जोड़ा ही मुंगा गा यू आर फीलिंग काम दा भी कम हो छता तो टेंशन बना हम के जा छे हम तो ये जान बनिया बनिया रो तो ने सब तो छे स्कूल में छे हॉस्पिटल में छे आंग बतू आंगन बाहर में छे जो प्राइवेट जन को पार प्राइवेट भी छे ऐसा प्राइवेट स्कूल भी यहां पर यो पार ऐसा प्राइवेट भी है और सरकारी भी है आंगन बाहर तो इस तो बेसिक छे जे क्या हॉस्पिटल भी छे हम के कौन जो घूमा सुविधा छे जे नीचे छे मतलब सुविधा हर चीज क्या कोई गांव में है ना हॉस्पिटल से लेकर जो मेन सुविधा गांव वाला तो छे छे ना पर हम तो खैर रोड़े की अच्छा रोड़े की दिक्कत खाली बस रोड़े दिक्कत चामदा आज पुंगड़ा पुंगड़ा के होन तुम्हें अपन शोरा छे ना शोरा सन तब मुड़न जा जा रहा दिक्कत तेरी बस सुसर मा चौल छनोना तो खाना गा फ्री राशन अच्छा आपके हिसाब से फ्री के राशन सही है कि खराब है खराब है पूरी आदत खराब होगी ना उसकी वजह से मेन बात बता क्या है मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ मेन बात फ्री राशन की बात नहीं है आप समझे नहीं बात हमारे पहाड़ के लोग भोले मेरी बात सुनो सरकार ने पहले आदत खराब करने के लिए खेती बंद करवाई हम लोगों से फ्री के राशन दी खेती बंद करवाई ठीक है ना आपको बता रहा हूँ दूसरी बात हम जो हम एक खेत को नहीं नहीं एक चीज बोलता मैं दूसरी बात ये बोल रहा हूँ कि जब हम अपना खाना बिना गैस के जब उसमें बना रहे हम किसमें चूल्हे में बना रहे हैं लकड़ी जला के तो इन्हें गैस की आदत दिलवाई अब तुम ये लगा लो कोई भी व्यक्ति बिना गैस के खाना बनाने को तैयार नहीं है ना उसे आप मुझे नहीं नहीं आप ठीक बोलो बोले भी हुआ बोला मैं तेरे बात करूँ
अब जाने बारे में नहीं बोनो इच्छे चुप रहा जर से रहा सुनो निकल में नाप से साइड नहीं बोलने में नाप ते नाग में बोनो तक में तब से आनोगो आप बहुत पर से जब पे समय के ऑल तब आलियात अब याद उससे बात नहीं याद है नहीं ये जेल को मैं अतक एक बन जाने रहा अब ना आज तो ला मार खेत चनिच चल रहे हैं क्या वैसे नहीं आप मुझे बताओ कि इसमें गलती किस में हम लोगों की गलती है कि सरकार की गलती है कि सरकार एक गलत है हमारे गलत कौन है वो सरकार ने तो उनसे तो हम कुल उन भी घुन उन भी हाथ उन भी सब खाएं सो कौन से सही है जो उन वाले बेस आशे तो वही जो उन छोड़े था जो घर में बेचन तो हम भी बना चन कि हम क्या कर निकलना मन मिले मैं ना चन फिर आता हूँ चन मैं बोला बा कह के मुद्दा बोली अब हाथ हाथों लोसान सब डेड ऑन अते हरर से जुड़ू सरकार तो मैं भी गीज नहीं पड़ी नहीं कर हम दाल भी नहीं बुझता हम जुड़ू तो सरकार पर से हमारे चार पुड़ी आएगा बात अच्छो में बोलो दाला दाला चार पुड़ी आए दाला चार पुड़ी चुना है तो हम अब गया नहीं बोल दाल भी मिन बैठेगे वहाँ जाते मन दिया यूँ बोल बोल होता फोन सही बात है बुझ नहीं करा हम तो तोड़ी चु दाल भी चौल भी कोई व्यक्ति अगर लगातार खेतों में काम कर रहा है तो जिंदगी भर काम कर लेता है अकेले अगर तीन महीना छोड़ ली ना तब जो ये सरकार सरकार भी बोल बेको बता सी बेको छन जो बेचारा ता जो ये संग तो बांधारुन छपड़ो दे राशन को भी नोनी सी भी तो वाले आई ठीक है राशन हम दा बेचन पकोना निचन पकोना तो तन छन हम बना के सी भी तो वाले आई जो हम दा छनी राशन पकोना सीनी वाला चाहेगा कि हमार भीतर रोड़े जांदी एस पर खांदा मैं तो कमाई छो नाम खाना सही बात है तो ओनी वेले ना पर तो मीना तो गी तो वेली हैं और हमारा अब रा पड़ गया था नहीं वो अब जमीन मा तो कभी ध्यारे दियो और दारे 600 रुपए ध्यारे करी करी हां सर लोग उन तो नौकरी कोई भर के जान 600 रुपए ध्यारे करे और आप क्या छन बो ना नहीं बो तो ता सुंगुर से खाणो सुंगुर से खाणो बस कुछ सुंगुर भी खाल जरा पर चार मेर भी एक जन हसूल दाल मेर भी वेग जरा नहीं वे सही बात शोर हम जरा हमारे साठ भी वेगिन साठ से सुना मार भीतर को ढेर भरी आ तो फिर आ तो उधर सुन लें फिर ना मुंह हाँ सही बात है हैं सही बात मैं बोला तो भी खुद समझदार खेल में बच्चे को भी खेल में बोलो ये न वेजन छो सच्ची ठीक बोलो तो ये तो लोड छो भी वो भी दिमाग मत धोरियो किन मैं नहीं वांट छो ना अब आप देख लो कि अभी मैंने दादी से बात की थी मैंने और इस गांव में सुविधा इतनी ज़्यादा है ना भाई यहाँ पर सिर्फ रोड की दिक्कत है वो भी खास करके जो लगभग 10-15 परिवार है उन्हीं के लिए सब ज़्यादा दिक्कत है रोड की क्योंकि रोड काफ़ी नीचे तक आ रखी है गाँव के बिल्कुल बीच में नहीं आ रखी रोड तो यहाँ पर रोड की थोड़ा बहुत दिक्कत है और आपको बता दूँ कि इस गाँव में यहाँ के अगल बगल के जितने भी इलाके में जितने भी गाँव हैं यहाँ पर सुविधा तो इतनी ज़्यादा है भाई जैसे कि सरकारी हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल सरकारी स्कूल्स लगभग 5-6 स्कूल हैं यहाँ पर इंटर कॉलेज हो गया प्राइमरी स्कूल हो गया इस जगह पे हर चीज़ है भाई इस जगह पे ठीक है ना और मुझे कभी कभी अफसोस ये होता है कि जब यहाँ के इलाकों में जब इन चीज़ों की सुविधा है तो लगभग जो दूर दूर जो गांव है वहाँ पर रोड की सुविधा नहीं है वहाँ पर रास्ते की सुविधा नहीं है यहाँ पर स्कूल की सुविधा नहीं है हॉस्पिटल की नहीं है तो यार वो लोग कैसे रहते होंगे भाई मैं आपको यही चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि लगभग जो लोग ऊपर ऊपर गांव में रहने वाले लोग हैं उनका जो जीवन यापन है ना भाई बहुत मुश्किल से हो पाता है और उनको काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है भाई ठीक है ना मैं ये चाहता हूँ कि जो सुविधा यहाँ अगल बगल गाँव में है जैसे यहाँ इस गाँव में है स्कूल की सुविधा कॉलेज की सुविधा प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूल हो गया और हॉस्पिटल्स हो गए रोड की सुविधा तो यही सुविधा ऊपर गांव तक भी पहुंचनी चाहिए जो सुविधा यहां अगल बगल गांव में चल रही है अभी फ़िलहाल भाई ठीक है ना तो काफ़ी अच्छा लगा कि इस गांव में सब चीज़ बढ़िया है काफ़ी अच्छी बात है कि यहां पर स्कूल प्राइवेट स्कूल सरकार सब चीज़ इस जगह पर वैसे ही अगर हमारे और गाँव में भी होता जैसे जो ऊपर पर जो गाँव है अगर वहाँ भी होता ये चीज़ें तो हमारा उत्तराखंड कुछ अलग होता भाई इस समय पर हमारे उत्तराखंड का जो प्लान का जो प्लान हो रहा है ना वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पर स्कूल्स हो गया हॉस्पिटल हो गया इन चीज़ों की बहुत दिक्कत है हमारे पहाड़ साइड में इसलिए सबसे ज़्यादा यहाँ उत्तराखंड में प्लान चल रहा है भाई और मैं यही चाहता हूँ कि ना हो प्लान इसी चक्कर से आज मैं उत्तराखंड में हर गाँव में एक्सप्लोर कर रहा हूँ हर गाँव को एक्सप्लोर कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे गाँव का जो हमारे उत्तराखंड का जो प्लान है वो रुक जाए लोग अपने घर वापस आ जाएँ और यहीं से अपनी शुरुआत करें तो आज के लिए इतना ही अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करना मिलते हैं फिर अगले दिन अगले गांव में ओके बाय टेक केयर।